हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JCM इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 31। 30 तक के पार्ट्स ऑलरेडी हमारे JCM इंस्टीट्यूट के पेज पे अवेलेबल हैं, तो आप प्लीज़ वो विजिट करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टल वोटिंग इज अदरवाइज कॉल्ड। ऑप्शन हैं प्लूरल वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, वेटेड वोटिंग या फिर सीक्रेट वोटिंग। तो पोस्टल वोटिंग को हम प्रॉक्सी वोटिंग के नाम से भी जानते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन फीचर इज कॉमन टू द फॉलोइंग बॉडीज, फाइंड इट आउट। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, UPSC, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये सभी जो बॉडीज हैं इनमें एक चीज़ कॉमन है, एक फीचर इसमें कॉमन है, वो कौन सा फीचर है? ऑप्शंस हैं, दे आर एडवाइजरी बॉडीज, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दे आर कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेचर, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ओवर अ नॉन मनी बिल, जब डिसएग्रीमेंट होता है दो हाउसेज के बीच में, तो उस केस में क्या होता है? ऑप्शंस हैं, द बिल विल लैप्स, द प्रेसिडेंट मे साइन इट इनटू अ लॉ, द प्रेसिडेंट मे कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज टू कंसीडर इट, द प्रेसिडेंट मे आस्क बोथ द हाउसेज टू रिकंसीडर इट। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, द प्रेसिडेंट मे कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज टू कंसीडर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एमिटर्स द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द जनरल इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड थ्रू द एजेंसी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इट इज़ टू बी यूज फॉर इलेक्शंस टू द, ऑप्शंस हैं लोकसभा, पंचायती राज एंड नगर पालिका इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट्स वेयर दिस एग्जिस्ट। करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट्स वेयर दिस एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू वोट इज मैंशन इन द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू, ऑप्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर इलेक्शन। तो राइट टू वोट मैंशन क्या क्या है? इलेक्शन में फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैज़ अ राइट टू एड्रेस इट, ऑप्शंस हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच पीरियड द फाइनेंस कमीशन इज फॉर्म्ड, ऑप्शंस हैं 2 ईयर्स, एवरी ईयर, 5 ईयर्स या फिर अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ प्रेजिडेंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाइनली अप्रूव्स अ ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान, ऑप्शंस हैं प्लानिंग कमीशन, प्रेसिडेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑफ स्टेट्स हियर इन सेंट्रल टैक्सेस इज द, ऑप्शंस हैं फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन या फिर फाइनेंस मिनिस्टर। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज़ द पब्लिक सर्विस कमीशन द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द UPSC सेटअप, ऑप्शंस हैं 1 अक्टूबर 1926, 1 अप्रैल 1937, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, 1 अक्टूबर 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैज़ अ राइट टू एड्रेस इट, ऑप्शंस हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अथॉरिटी रिकमेंड्स द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शंस हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस कमीशन या फिर इंटर स्टेट काउंसिल। करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर द, ऑप्शंस हैं यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर नीदर यूनियन नॉर स्टेट गवर्नमेंट्स। करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंस कमीशन इज मेनली कंसर्न विद रिकमेंडिंग टू द प्रेसिडेंट अबाउट, ऑप्शंस हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स, प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट्स इन एड टू बी गिवन टू स्टेट्स बोथ 1 एंड 2 या फिर नीदर 1 एंड 2। करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, ऑप्शंस हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट या फिर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव बाय द, ऑप्शंस हैं पार्लियामेंट आफ्टर अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड विद 2/3 मेजॉरिटी, प्रेसिडेंट ऑन अ अनोनिमस रिकमेंडेशन फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एन इंक्वायरी एंड रिपोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट, या फिर प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एन इंक्वायरी एंड रिपोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इलेक्शन कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट अ कैंडिडेट हैज फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम एंड इन मैनर फॉर नो गुड रीजन और जस्टिफिकेशन, व्हाट इज द पीरियड फॉर विच द इलेक्शन कमीशन कैन डिस्क्वालिफाई हिम टू बी अ मेंबर और फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू बी अ मेंबर ऑफ द इलेक्टेड ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। ऑप्शंस हैं 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड सेकेंड ऑप्शन, 3 ईयर्स के लिए डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है उस मेंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स इन इंडिया आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शंस हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, लिमिटेड सफरेज, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या फिर एडल्ट फ्रेंचाइज। करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोट ऑन अकाउंट मीन्स, ऑप्शंस हैं स्टैट्यूटरी एक्सेप्टेंस ऑफ प्लानिंग बिल, स्टैट्यूटरी एक्सेप्टेंस ऑफ मनी बिल, स्टैट्यूटरी एक्सेप्टेंस ऑफ रिपोर्ट ऑफ अकाउंट चेकिंग एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस बाय सीएजी, या फिर स्टैट्यूटरी एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स टिल द पासेज ऑफ प्लानिंग बिल। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शंस हैं 6 ईयर्स, अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, या फिर अप टू 64 ईयर्स ऑफ एज। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी JCM इंस्टीट्यूट का पेज विजिट करके आप हमारी दूसरी वीडियो सीरीज भी देख सकते हैं जो कि SSC और रेलवे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वो विजिट करके ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।